Like who? Like no. who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. अच्छा तो अब नहीं बोलोगे powered by दीपिका पादुकोण? Powered by दीपिका पादुकोण. भाई साहब तुम्हारी तो दीपिका पादुकोण ने ले ली एकदम बुरी तरीके से. भाई साहब लड़के जो होते हैं वो चूतिया होते हैं ये साबित भाई साहब हर जगह हो ही रहा था, लेकिन बॉलीवुड में भी ऐसा चूतिया एग्जिस्ट कर रहा था. वो रणवीर सिंह वो भाई आज समझ में आ गया. भाई साहब हर जगह घाघरा पहन के घूम रहे थे दीपिका पादुकोण का, तो आज उसने बदला ले लिया कि भाई साहब मैं तेरा तो चूतिया दो नहीं तीन नहीं दस साल से काट रही, तो घाघरा पहनना तो अब तूने स्टार्ट करा है. तो अभी क्या सीन है कि तुम लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो दो शब्दों में मैं बता देता हूँ. देखो जो अपना ये रणवीर सिंह और फिर दीपिका पादुकोण है ये काफ़ी अच्छे कपल माने जा रहे थे, क्योंकि भाई साहब इनका कपल ब्रांड बन चुका था. ये विराट कोहली जैसे और फिर उसके बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दो ही ब्रांड काफ़ी कमाल के हैं जो कि बॉलीवुड में काफ़ी जाने माने हैं. अब भाई साहब यहाँ देखने को मिलता है कि दीपिका पादुकोण भाई इनका चूतिया इस तरीके से काटी थी, इनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी. अब सीधे सीधे ये बहन जो है कूल बनने के चक्कर में ऐसा फूल बनी है कि भाई साहब अगर बिग बॉस वाले सलमान खान लगा दें इनके घर में कैमरा ना, कमाल की भाई साहब वो TRP मिलेगी. मैं लिख के देता हूँ साला वर्ल्ड कप में 3 करोड़ लोग देखते हैं, लेकिन इस कलेश को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आ जाएंगे. सारा 100 करोड़ लोग जो जितनी आबादी होगी, चाइना वाले भी घुस पड़ेंगे, साला वो VPN यूज़ करके देखेंगे इस कलेश को. तो फिर चलो मैं तुमको मार्केट स्ट्रेटजी बिजनेस माइंड दे दिया हूँ, तो उसके लिए तुम लोग मेरी वीडियो को भाई थोड़ा लाइक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे झांट तुम्हारी औकात नहीं. चलो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस कलेश का, भाई थोड़ा हलेस लेते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है. देखो अब इस बंदी ने तो बोला कि मैं 4 लोगों के साथ थी और फिर उसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड ये रणवीर सिंह था. तो भाई मेरे को क्या होता है ये याद आता था, उन लोगों के साथ रहती थी तो रणवीर सिंह याद आता था. मुझे लगता है रणवीर सिंह को किस बात का दुख है यार, इसका तो स्टेमिना है भाई, टेस्टोस्टेरोन काफ़ी हाई मेरे को दिखता है. भाई साहब इसकी तो खुशी मनानी चाहिए. और ये जो बाबा हकीम वगैरह भाई साहब अब तो रणवीर सिंह का वो पोस्टर लगाएं ताकि वो लोग कहें भाई रणवीर सिंह जो है भाई हमसे दवा लेता था, जड़ी बूटी हमसे लेता था, ताकि तभी दीपिका इसे छोड़ के नहीं गई, क्योंकि भाई इसमें तो मर्दानगी ज़्यादा है, ये बंदा ये चीज़ है. तो भाई ऐड वाले पहुँचो और फिर कंडोम जो सेक्स वेक्स वाले अपना प्रोडक्ट बेचते हो तो इससे मिलो भाई साहब, मेंबरशिप बनाओ, इसको आइडिया दे रहा हूँ, देखो कितना अच्छा अच्छा सा. अबे साले तभी मेरा बढ़िया आइडिया है भाई, बिजनेस माइंड मेरा है साला, वीडियो तो चले मेरी. लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको साइड में रखते हैं फिलहाल, देखते हैं अगर ये बंदा रणवीर सिंह यही बात बोला होता पता नहीं क्या क्या हो जाता, और फिर फेमिनिस्ट वाली अटैक कर देती. भाई साहब कोई फेमिनिस्ट लेडी मतलब बॉलीवुड में सब तो वही हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला. अब वो भाई कोई ये तो भी बोला हो ना कि इट्स हर चॉइस. ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस. अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ कोई. हाँ तो फिर इस बात को भी रिलेट करो. हार्दिक पांड्या में हार्दिक पांड्या का जब सीन था उसने तो केवल बोला था मैं लड़कियों को बस देखता हूँ, और फिर जब मैं किसी लड़की के साथ सेक्स करके आया तो मैं अपने पापा के साथ डिस्कस करता था कि मैं करके आया. भाई साहब क्या क्या BCIC ने इस बंदे को तो सस्पेंड के साथ में जो बैठा था उसको भी सस्पेंड कर दिया 15 दिन के लिए. मतलब घुन तो पिसा पिसा है और गेहूँ तो पिसा ही, घुन भी पिसा. जो साइड में बैठा था कुछ भी नहीं बोला था, बस उस बंदे के बात पर हंस दिया था. तो ये सीन होता है लड़कों के साथ, लड़के हमेशा भाई साहब पिसाते हैं, और फिर लड़की इसने कुछ नहीं बोला, भाई साहब एकदम मज़े में, और भाई केवल झेल रहा है रणवीर सिंह, सोशल मीडिया सब मज़े ले रहे हैं, ज्ञान फैल रहे हैं, बस हो गया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं. और वही हार्दिक पांड्या बोल रहे सारा केस हो गया था उसके ऊपर, जिम वाले ने भाई उसका मेंबरशिप कैंसिल कर दिया था, और फिर जिलेट में तो उसका भाई वो जो स्पॉन्सर दे रहा था उसको भी हटा दिया. जितने ज़्यादा झेलते हैं लड़के, लेकिन लड़की है क्या, कूल बनने के चक्कर में भाई साहब एकदम मज़े से. और जो ये बड़े बड़े एक्टर लोग बोलते हैं साला पढ़े लिखे नहीं है ना, पढ़ना लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो, मेच्योर बनने के चक्कर में एकदम पूरा एकदम भसड़ कर दी. और फिर ये भैया घाघरा चोली पहन के बस नाचो जाओ, असली मुझे तो दीपिका ले गई, तो चले दीपिका के साथ ही घूमू जाओ, अब तो वो भी नहीं देगी मतलब भाव. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोना.
भाव देगी, अब तुम लेकर भी क्या करोगे, अब मुंह तो दिखाने लायक नहीं रहे, चलो अब डॉन 3 की शूटिंग करो और फिर डॉन के मजे लो, सलमान भाई के साथ एक पैक लगा के मस्त टून रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, अपन तो क्या ही बोले, मजे जो लेने थे वो दीपिका ले गई, अब क्या ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धोनी भाई ने भी मजे लिए और फिर युवराज सिंह ने भी मजे लिए भाई। चलो ठीक है, हम तो भाई क्या ही बोले, हमें तो बोलना था जो बोल दिया। अब मेरी फेवरेट हीरोइन भाई साहब मिया खलीफा है बस। हाँ अपन भाई अब जेन्युइन एकदम फुल, हाँ बिल्कुल कूल नहीं बनना है, मिया खलीफा माई फेवरेट। जय हिंद।